SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। जानी मानी गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। वो 92 साल की थीं और बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं। लता मंगेशकर जी को हम सभी स्वर कोकिला के नाम से जानते थे। उनकी मीठी आवाज बीते कई दशकों से भारतीय संगीत में बसी हुई थी, जिन्होंने ना जाने कितने ही कलाकारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चाहने वाले उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर जी ने 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। हालांकि उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर रही। जब लता मंगेशकर जी महज 13 साल की थीं, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लता मंगेशकर जी ने कुछ हिंदी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उनकी चाहत गायक बनने की ही थी। साल 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता जी को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता जी की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता जी ने मजबूर फिल्म के गाने गाए। हालांकि इसके बावजूद लता जी को हिट गाने की तलाश थी। उन्हें इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वह हफ्तों से ICU में थी, जहां रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए ट्वीट कर लिखा, देश की शान और संगीत जगत के शीरमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपुण्य क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी ने भारत में फिल्म संगीत को एक नई परिभाषा दी थी। उन्हें स्वर साम्राज्ञी और भारत की सुर कोकिला कहा जाता था। उनका फिल्मी संगीत करियर आधी सदी से भी ज़्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए।